तो मैं हूं मिस्टर सिंह और आप देख रहे हैं राज डिस इन्फो। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनकी मेहरबानी, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को भी दबा दे जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं इस अपने चैनल पर डिस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एपस्टार 7 स्काईनेट जो कि म्यांमार की सेटेलाइट है उसकी डिश सेटिंग और उसके चैनल लिस्ट को दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक्सट्रीम IPTV का लिंक दिया था जो कि आप दोस्तों ने उसे पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों वो लिंक एक्सपायर हो गया है, मैं अगला लिंक आप लोगों को जल्दी ही दूंगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि F-Star 7 75.5 डिग्री पर हम लोग को कौन कौन से चैनल प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल राज डिस इन्फो को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे ये 6 फीट की डिश है दोस्तों, जिसमें मिडिल में ये इंटेल सेट 20 पे सेट है और ये बगल में इंटेल सेट 17 पे ये LNB सेट है जो कि दोनों सी बैंड की सेटेलाइट है। हम दोस्तों पिछली वीडियो में इस दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये जो काली वाली NLMI देख रहे हैं मैं आज इसके बारे में चर्चा करूँगा दोस्तों। इसे आप सी बैंड की LNB से बस मुट्ठी भर दूरी पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको एक्सप्रेस 18 जो कि एक रशियन सेटेलाइट है वो आपको मिल जाएगा। बस आपको सी बैंड से बस एक मुट्ठी दूरी पे इस LNB को सेट करना है और आपको ये एक्सप्रेस 18 आप सेट कर सकते हैं, और एक मुट्ठी और बगल में ले जाएंगे तो आप DD 93.5 भी इसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों आज हम इस पे सिर्फ F-Star 7 की बात करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए दोस्तों ये एक्सप्रेस 18 की चैनल लिस्ट है जिसमें हम 2 TP ही हमें रिसीव हुई है और 28 चैनल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पे डिश से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, बेल घंटी को दबा देने से दोस्तों आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगी। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने IPTV का लिंक दिया था जिसे आप लोगों ने अच्छा खासा पसंद किया और कमेंट भी किया था। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो के बारे में कमेंट करें और हमसे सवाल पूछें और मैं उसका जवाब आप लोग को दे दूँगा। दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्ग TP है दोस्तों 11044 वर्टिकल 34423, इस TP पे आप एक्सप्रेस 18 सेटेलाइट को सेट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग स्काई नेट की। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंटेल सेट 20 से मात्र 2 उंगली जो है आपको बगल में रख देना है, बस F-Star 7 आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इंटेल सेट 20 इंटेल सेट 70 जो आपको सेट है एक्सप्रेस 18, दोस्तों इससे आपको 1 इंची से थोड़ा सा कम डिस्क को नीचे झुकाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों बस यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं कितना चाहा कि नहीं उसी पर इसको सेट कर लूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1 इंची जो है नीचे झुकाने के बाद आपका इंटेल सेट 20 और इंटेल सेट 70 का सिग्नल चला जाएगा, एक्सप्रेस 18 का भी चला जाएगा। दोस्तों मैं आगे इस पर सर्च करूँगा कि इसकी LNB ठीक से सेटिंग हो सके। दोस्तों तब तक आपको यही करना होगा कि 1 इंची नीचे जो है आपको इसको नीचे झुकाना पड़ेगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, मत 1 इंची नीचे आपको डिस्क को नीचे झुकाना पड़ेगा तब F-Star 7, ये म्यांमार की सेटेलाइट है दोस्तों, और इस पे बस इतना करने से आपको इसका सिग्नल फुल मिल जाएगा। और इसका कवरेज मैप भी आपको मैं दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों इसका चैनल लिस्ट, पहले हम इसके चैनल को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद ऑटो स्कैन पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये गए एंटीना सेटिंग में, और LNB फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल रखना है और ब्लाइंड सर्च नीचे करके हम इसे ऑटो स्कैन पे लगा देते हैं। और तब तक हम आपको इसका कवरेज मैप भी दिखाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों इसकी कवरेज मैप दोस्तों, इसमें भारत का कुछ हिस्सा ही जो कि नेपाल से सटा हुआ हिस्सा है, तटवर्ती इलाका, सॉरी दोस्तों वो इलाका ही आ पाता है। इसमें बांग्लादेश, लखनऊ होते हुए, बिहार होते हुए, दिल्ली को कवर करते हुए ये जम्मू तक इसका कवरेज मैप है दोस्तों, जिसमें
आप बिहार के कुछ हिस्सों में इसे 3 फीट की डिश पे आप इसे सेट कर सकते हैं। लखनऊ दिल्ली में इसे 4 फीट के डिश पे सेट किया जा सकता है दोस्तों। उड़ीसा में भी इसे 3 फीट के डिश पे आप सेट कर सकते हैं। असम, म्यांमार, नागालैंड, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप इसे 2 फीट की डिश पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, 179 चैनल हमें प्राप्त हो चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन चैनल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसमें हमें टोटल 179 चैनल प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिर्फ 12 चैनल ही फ्री टू एयर के मिले हैं, जिसमें एक बुद्धा चैनल है जो स्काई नेट एप स्टार का चैनल है, वो डॉलर में लगा हुआ चैनल है, और वे आप फ्री, पहले हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने से फ्री टू एयर और एक्सक्रेम्बर चैनल अलग अलग हो जाएगा। बस इसमें हम 12 चैनल ही आया है दोस्तों फ्री टू एयर, और बाद बाकी डॉलर चैनल निशान वाले हैं, जिसमें इंडिया के भी कुछ चैनल हैं, जी टी वी, जी सिनेमा, जिंग, ये चैनल भी आपको है, लेकिन वो डॉलर लगा हुआ चैनल है दोस्तों। इसमें और भी स्पोर्ट्स है और भी अच्छे अच्छे चैनल है दोस्तों, लेकिन वो कैसे चलेंगे दोस्तों वो मुझे मालूम नहीं है, खुद आप लोग समझदार हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दे दोस्तों, जिससे मेरी हौसला बढ़ेगी कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद किया, और आगे जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। मैं आगे आपको आप लोगों के लिए थाइकोम सेटेलाइट की जानकारी दूंगा, और उस पर सर्च मेरा चालू है, और भी वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस सेटेलाइट को सेट करने के लिए दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है 11052 वर्टिकल 30,000। इस टीपी पे आप इस सेटेलाइट को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही अगली वीडियो को लेके हम आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। Oh.